बढ़ा हुआ ब्लड शुगर आपके सभी महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की दवाइयों का सेवन करते हैं जो आपके शरीर में विपरीत असर डालते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको चार ऐसे प्राकृतिक आहार बताएंगे जो नेचुरल तरीके से ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, जिसके सेवन से बढ़ा हुआ ब्लड शुगर क्या हो जाएगा राहुल जी? खत्म। नंबर वन है मेथी। इन दानों में सॉल्युबल फाइबर और ट्राइगोनेलाइन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इसके लिए मेथी दानों का पानी भिगा कर सेवन करें। नंबर टू है आंवला। अपने पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हाई विटामिन सी के लिए यह अत्यधिक फायदेमंद माना जाता है। यह सुपर फूड पेनक्रियास फंक्शन को बेहतर करता है और ब्लड शुगर को आसानी से कंट्रोल करता है। नंबर थ्री दालचीनी। यह सुगंधित मसाला खाली पेट ब्लड शुगर को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है। इसके लिए आप दालचीनी का पानी या फिर दालचीनी की चाय बनाकर सेवन कर सकते हैं। और नंबर फोर नीम। इसमें पाया जाने वाला बायो एक्टिव कंपाउंड एंटी डायबिटिक इफेक्ट डालते हैं जो सेल्स को ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। नीम की पत्तियों को चबाकर या इसका पानी पिया जाए तो ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगता है। अतः इन आहार का उपयोग कर आप अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करें और फिर हमें कमेंट्स में कहें। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।